ठीक है मैं, चलो अब चलता हूँ, चले। ठीक है मैं। मालिक मालिक, गए साल से हमारा चंदा ना लिया है, इस साल हमका भी शामिल कर लीजिए ना मालिक, आप हमको जौन सजा देंगे हमको मंजूर। ठीक है, माफ कर दीजिए मालिक, इससे अनजाने में गलती से कह दिया। मैं माफ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ सजा देना आता है, माफ करना बिल्कुल नहीं। भूल गया उस रोज उसने क्या कहा था? हाँ, जब तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है तो तुम किस बात के सेट हो? काम करवाया है, पैसे देने पड़ेंगे ना, खुद को बेचो, अपने घर को बेच कर दो, हमें उससे क्या? काम नहीं रुकना चाहिए, काम के बिना कमेटी बना के बैठे हो, पैसा वसूल के अपना भला कर रहे हो, क्या कुछ नहीं कहा था उस आदमी ने? आज इसने कहा कल कोई और कहेगा, फिर किसने कमेटी सोसाइटी और संस्था बनी है? जो चाहे कुछ करो, मुझे माफ करो, मैं भी और लोगों की तरह दर्शन करूंगा, जो और चंदा चाहिए होगा दे दूंगा। ऐसा मत, मैं बनाऊं या कोई दूसरा बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए! हाँ मालिक, है, गाड़ी माफ करनी, चलता हूँ, गाड़ी निकालो जल्दी 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 जल्दी। मालिक सुनिए, अगर उसने कुछ गलत कहा है तो? मालिक नाराज होकर चले। अरे नाराज होते हैं, हम खुद कर लेके, हटो यहाँ से। अरे ई का, मंदिर में हम आए, पूजा भी हमने ही की, मालिक के लिए सारा मेहनत भी हमने किया, तो हमें ही जाना चाहिए, तुम काहे परेशान हो? हमारी क्या गलती? काहे का फटे में टांग अड़ा रहे हो? ओका वकालत करके तुमको क्या हासिल होगा? चलो काम खत्म करो। मैं करूं? हाँ, अब पता चल गवा, अपना परिवार पालना कितना मुश्किल होता है, खाली हमारे काम करने से काम खत्म होगा का? पिछला कई साल से हमारा सारा छोटा बड़ा काम हुए करते आए हैं, सबको मिला के चक्कर में लुटिया डूब गई। अरे जो हुआ सो हुआ, अब जाने भी दो। आज एक बात भी हने दूसरा बता, ऐसा होता है का? एक बार फैसला कर लिया तो अपने ऊपर कायम रहेंगे, प्राण भले चल जाए पर वचन न जाए, चाहे कौनो हमको कोनो मतलब नहीं समझे। लेकिन अब क्या करें? ये काम खाली एक ही आदमी कर सकता है। कौन है वो? ए, बहुत तेज बारिश होने वाली है, जल्दी से सारी मिर्ची उठा लो। बहुत तेज बारिश होने वाली है, सारी मिर्ची उठा लो। दीदी बारिश में भीग जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बेटी बारिश में नहीं भीगेगी, तू जल्दी से उठा। बारिश से बचने के वास्ते दौड़ते दौड़ते एक बूंद भी सर पर पड़े बगैर हम एकदम से घर में दाखिल हो गए और जरा भी नहीं भीगी। आखिर बेटी किसकी है? सीताराम की। देखा मेरी बेटी को? भीगी नहीं तो आपकी बेटी, भीग गई होती तो मेरी। सुनो, जाकर जरा एक कप कॉफी लेकर आओ। अरे चाहिए ना। अच्छा बाबा। अरे नमस्ते बिटिया। नमस्ते बेटी। नमस्ते, एक मिनट, हम पापा को बुला कर लाते हैं। आपसे बात करने का रहे। ठीक है, अंदर आइए। कौनो बातें बेटी, यह ठीक है। मंदिर में को छोटा सा बहस हुई कबार, गुस्से में आके मालिक सचिव का पद छोड़ दिए, काम करने से बिल्कुल मना कर दिए और सारा हिसाब छोड़ के वापस चले आए। तुम कैसा हो उनको मनाओ ताकि अपना गुस्सा छोड़ के वो अपना पद संभाल ले। देखिए, हमारे पापा हम पे जान कुर्बान करते हैं, हमारी बात नहीं टालेंगे, ये सच है, मगर जो बात पापा को पसंद नहीं हम उस पे जोर नहीं दे सकते। लेकिन बेटी, माफी चाहूंगी, जोर मत दीजिए, जो बात पापा को नागवार है उसे तो हम सपने में भी नहीं कहेंगे, माफ कीजिए। ओहो, ये सुरेश कहाँ रह गया?
आता होगा मां? हाँ, हर साल तिरुपति जाने के लिए मेरी जान खाता है ये, लेकिन आया नहीं अब तक। इस साल भी यही होने वाला है, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा उसे। हाँ माँ, उसके कौन से रिश्तेदार हैं? लावारिस ही तो है, आ नहीं सकता क्या? ए, तू क्या बकवास कर रही है? हाँ, वो मेरा कोई नहीं है, इस बात का उसे भी अफसोस है। हम उसके अपने नहीं है तो कौन है? क्या तू भी? अच्छा माँ, गलती हो गई। ठीक है ठीक है। टिकट कहाँ है? मैंने उसे संभाल कर रखा है। अजीब है, बैग यहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं माँ, वो ड्राइवर को कोई कार देने गया है, आता ही होगा, फिक्र मत करो माँ। पता है तूने ही उसे भेजा होगा। क्या करूँ, वक्त हो रहा है, गाड़ी छूटने वाली है ना। मैडम, सुरेश ने वादा किया है वो वक्त पर पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लो माँ। नहीं माँ, वो कभी वक्त पर पहुंचे जो आज पहुंच जाएगा। तुम खामोश रहो, वो आएगा। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। अरे देखो आ रहा है। ये कौन है? नाम क्या है? माय नेम इज कैटरीना। भैया आ गए। संजय, गीता सब लोग आ गए हैं। अरे 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 अरे, आराम से आराम से। अरे बाबा, आराम से। गीता सब लोग आ गए ना। अरे अरे, आ जा आ जा। अरे अरे, रुकिए बाबा। अरे अरे अरे, दादाजी दादाजी दादाजी, अरे देखो संभाल के, दादाजी को पिछले साल सब बिल्कुल सही थे, इस बार पेट नजर आ रहा है, कहीं चुगा बच्चे तो नहीं है? एक बार डॉक्टर को दिखा के देखे। बेटी प्रमिला कैसी हो तुम? अरे बाप रे, हमारी दादी तो फूलती जा रही है, पिछले साल 55 किलो की थी, इस बार 72 हो गई है। क्या बेटी, तुम थोड़ा पहले आ जाती। बेटा आराम से आ रहे हैं। चलो चलो। पता नहीं तुम्हें, तुम्हारे दादाजी दिन गिन रहे थे, जब से उन्हें पता चला है कि तुम लोग आने वाले हो तब से वो बहुत खुश है, तुम्हारे साथ मंदिर जाने के लिए बेचैन है। अरे सबसे ज्यादा तो वही खुश है तुम लोगों के आने से। आओ 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 सब लोग। अरे सुरेश, तुम वहाँ क्यों रुक गए? चलो अंदर। सॉरी यार, इतने दिनों के बाद मिले, थोड़ी मस्ती में निकल गए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं संजय, तुम्हारी मस्ती और खुशी देख रहा था। अरे बैग तो निकाल यार, बाद में। नहीं नहीं, रुको, चला जा। तुम्हारी तालीम कब तक पूरी होगी बेटी? बस ये आखिरी साल है दादाजी। पास होगी तब ना दादाजी। दादाजी तो पहले ही पास हो गए। कुछ भी मत बोलो दादाजी, जरूर पास। ये सुरेश मेरा दोस्त है, ये भी हमारे साथ तिरुपति चलेगा, आपकी दुआ की जरूरत है। खुश रहो बेटा। सुरेश, तुम्हें पता नहीं तुम्हें किसकी दुआ मिली है, अब देखना जिंदगी में कैसे सफल होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अपने दादाजी के वास्ते क्या लाए हो बेटा? अरे सॉरी दादाजी, सब इतनी जल्दी में हुआ कि भूल गया दादाजी। अरे हम लोगों से मिलने आया है, काहे बच्चे को शर्मिंदा कर रहे हो? कौनो बात नहीं बेटा, इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये ऐसे ही है। क्यों दादी जी, क्या गलत कहा उन्होंने? खबरदार मेरी दादी को कुछ बोला तो। हमारी पोती को कुछ मत कहना। हमारी पोती को डांटने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ कहाँ पर खिला रहा है? पंचायत को पूरा अधिकार है फैसला सुनाने का, फिर भी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, फैसला क्यों नहीं सुनाते आप लोग? रुकिए जरा, महेंद्र सिंह ने नीता को बेइज्जत किया है, और ये कोई मामूली गलती नहीं है। अब महेंद्र को उससे शादी तो करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो पंचायत को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपका क्या कहना है? सही बात है, सही कहा ना? सही है। आपको कोई एतराज? ये कैसा इंसाफ है, जो किसी की बेइज्जती करे उसी के साथ शादी करूं, ताकि वो शादी के बाद पूरे हक से बेइज्जती करे। हमें माफ कर दीजिए, शादी नहीं करनी। अरे क्यों पाप बोल ले रहे हो, ये शादी करना पाप है। सरपंच जी,
फैसला बदल दो। ये सरपंच, मेरा पोता किसी हीरो से कम नहीं, अपनी केयर मनाओ। ये फैसला तो अब बदलेगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, वो है मेरा लखन, गरीबों का किशन, उसका नाम है लखन, उसका नाम है लखन, मेरा लखन, गरीबों का किशन, उसका नाम है लखन। ये हाय दादी। ए प्रदीप, कैसे है बेटा? वो बुला रहे, मैं मिल के आता है। हाय डैडी। ए प्रदीप, कैसे? तू तो विलायत से कल आने वाला था। हाँ डैडी, अपन जिस फ्लाइट से आने वाला था ना, डिले हो गई, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट ले लिया और इधर ही हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया। वहाँ से लिफ्ट लिया और इधर ही चापन आ गया। यहाँ क्या भीड़ क्यों लगाई? तुम कुछ बांट रहे हो क्या डैडी? ऐसा सुनने के लिए तुमने लॉ कब पढ़ ली डैडी? मैं वकील थोड़े ही हूँ। तो तुमने किसी सीनियर वकील के हाथ के नीचे काम किया क्या? मेरा बाप कभी गुलाम रहा है? तो फिर किसी कोर्ट के बाहर वड़ा सांभर बेचा क्या? चुप रहिए आप लोग, ये हमारी खानदानी बात, हम पुश्तों से ये फैसला करते आ रहे हैं। ये क्या ड्रामा है, क्या मामला, क्या चल रहा है? महेंद्र सिंह ने इसका रेप किया है। रेप कैसे? क्या फैसला सुनाया? अरे जबरदस्त फैसला है। क्या? बेइज्जती करने वाले को इससे शादी करनी पड़ेगी। और नहीं, 20,000 रुपए पंचायत कमेटी को भी देने पड़ेंगे। शाबाश। तो बोलो, ये फैसला तुम्हें कैसा लगा? कैसा फैसला है? हमको ये शादी हरगिज नहीं करनी। मिस्टर महेंद्र सिंह, तुम क्या कहते हो इस केस के बारे में? ये सब तो अपुन के लिए आमिच बात है। मतलब तूने ही रेप किया है? और नहीं तो क्या? पंचायत ने फैसला दिया कि तू इससे शादी करेगा। पंचायत को 20,000 रुपए फाइन दे के छूट जाएगा? मतलब रेप करने के बाद 20,000 रुपए दे के तू छूट जाएगा? नहीं। अरे ये काम अपुन पहले ही कर चुका है, 20,000 रुपए वाला। ओ तेरी, मतलब एडवांस बुकिंग करके तूने रेप किया है? मतलब खुले सांड की तरह तू रेप करता रहता है? अरे बोले तो अपन से पूरा गाँव कांपता है। महेंद्र सिंह सुनो, गाँव वालों, इस महेंद्र सिंह को सुधारने के लिए और गांव में कोई बुरा दूसरा महेंद्र सिंह ना बने, इसके लिए अपू ने एक फैसला सुनाओ क्या? ए, पंचायत के फैसले में टांग मत अड़ाओ। मिस्टर सरपंच, वो चाहे जो भी हो, सारा गांव अपुन के साथ है। मैं आपके फैसले का वेट करता हूँ। तू हीरो माफिक लगता है, अपुन से हाथ मिलाएगा क्या? मुझसे हाथ मिलाएगा? सॉरी सर। बोल महेंद्र सिंह, अपुन को अंग्रेजी का एक शब्द पसंद नहीं है। सॉरी सर। इधर डाल दूं? सर क्या पहले इधर डाल दूं? सर थोड़ी नीचे, सर नीचे डाल दूं? बोल कमीने, अब किसी अवला नारी के साथ अत्याचार करेगा, यही अपुन का फैसला है। क्या किया बेटा? अपुन ने उसको शूट कर दिया। क्यों चलाई? वही तो बताया। तुमने ठीक नहीं किया। जब कानून सख्त होगा ना, तब भी इस तो अपराध कम होंगे। ये ठीक हो गया नहीं? बस हो मालिक, मालिक थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक हो जाएगी। ठीक है, बस से चलते हैं। मालिक आप बस में क्यों जाएंगे? पैदल तो नहीं जा सकते ना? गाड़ी जल्दी ठीक करवाओ। ठीक है मालिक। भाईजान ये बस कोयम्बटूर जाएगी ना? जाएगी। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा चोट तो नहीं लगी? माफ करना, गलती से लग गया। पहले तो धक्का मार के घुस रहे और अरे उन्होंने माफी मांगी ना, फिर क्यों भड़क रहे हो तुम? आप तो अंदर थे, आपको क्या मालूम क्या हुआ? नहीं बेटा, आप बीच में मत बोलो। देखो बेटा, मैं गलती मान रहा हूँ, मुझे माफ करो। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बैठो बेटा, आप बैठो। नमस्ते, नमस्ते। बैठो। क्यों चाचा, सब ठीक तो है? सब ठीक है मालिक, बिटिया की शादी पक्की हो गई है, निमंत्रण भेजूंगा, जरूर आइएगा। जी निश्चिंत रहिए, सब ठीक से होगा। धन्यवाद मालिक। नमस्ते मालिक। सुनिए, कोयम्बटूर आएगा तो बता दीजिएगा। मालिक उतरे कर रहे हैं। हाँ आइए आइए। चाचा जी, ये आपका सामान सामान। अरे कोई उठाओ जल्दी। सॉरी, खुश हो गए? मैं गिर जो गया, सीधे नीचे गिरा। अब तो कोई शिकायत नहीं? वो अनजाने में, मेरा हाथ भी अनजाने में लगा था, लेकिन तुमने पैर अनजाने में नहीं जानबूझकर मारा है। जनाब मैंने जानबूझकर नहीं। मुझे पता है तुम यही कहोगे, मैं जानता हूं तुमने ये जानबूझकर ही किया है, बदले के भाव से। देखिए मैंने ऐसा कुछ दिल में नहीं रखा, यकीन कीजिए मैंने। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूं, तुम गलत हो। नहीं, मैं अपनी गलती मान लो, गलत हो तुम। ओफो, पूरी दराज गंदगी से भरी पड़ी है। बेवकूफ, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। पापा से क्यों नहीं कहा? वही बस में उसे 2 जूते लगाने चाहिए थे। उसने पापा से माफी तक नहीं मांगी। इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम ही बताओ, परेशान क्यों ना हूँ मैं? मेरे पापा के साथ गलत किया तो गुस्सा नहीं आएगा? पापा से बढ़कर कोई नहीं, हमारे लिए पापा ही सब कुछ है।
ठीक है बेटी, बिल्कुल सही। कॉलेज को लेट हो रही हो, अब जाओ। हाय रब्बा। ऊपर वाले ऊपर वाले बचा ले, 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 जल तू जलाल तू, आई मला को डाल तू, जल तू जलाल तू, आई मला को डाल तू, ऊपर वाले बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। ये कार में चलने वाले लोग पता नहीं क्या समझते हैं। अरे नहीं यार, सबकी फितरत एक जैसी नहीं होती, कुछ कार वाले अच्छे इंसान भी होते हैं। अरे रानी लक्ष्मीबाई, सन टीवी के प्रवचन का असर हो रहा है क्या? अरे हमारी गली में ना बहुत सारा पानी भरा हुआ था, तभी अचानक से एक कार जोर से आई, मगर एक बूंद भी छींटा मेरे ऊपर नहीं आया और कार करीब से निकल गई। हाँ देखा, हमारी मिस यूनिवर्स को देखकर वो बगैर छींटे उड़ाए स्लो मोशन में कार ले गया। कमाल का बंदा है। अरे ये यहाँ 4440। एक्सक्यूज मी, जरूर वही है। क्या हुआ? हेलो, थैंक्स, कैसे हैं? एक मिनट प्लीज, आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए, क्या कह रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन हैं? आप 4440 हो ना? 4440 मतलब? नहीं नहीं सॉरी, आपने शायद हमको पहचाना नहीं है। उस रोज याद है ना, कार उड़ाए बिना, अरे नहीं, कीचड़ की एक बूंद उड़ाए बिना, अब मैं कैसे बोलूं, आपको याद है ना सर? हाँ क्या बोल रही हैं, कौन सी कार, कैसे छींटे? क्या सर, आप इतनी जल्दी भूल गए, आपने कार में से हाथ भी हिलाया था सर। सॉरी, हाँ? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या किसी अजनबी से ऐसे बात की जाती है? छी छी, अच्छे कपड़ों में किसी को देख लिया तो पीछे पड़ गए क्या सर? आप मुझे नहीं जानते, पहचाना नहीं आपने, मैं मिली थी ना आपको। क्या सर, आप मजाक कर रहे हैं ना, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ सर। तुम चाहते क्या हो? सर वाकई में आपको कुछ भी याद नहीं है? ये कार मेरी कार है, ये सच है, उस रोज मैं ही गुजरा था, अब क्या करना है? अरे रे रे रे, लगता है उस रोज बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, काश उस रोज मैं छींटे उड़ाकर जाता तो बहुत अच्छा होता है ना। क्या सर, आप क्या बोल रहे हैं, मैं पता नहीं क्या क्या समझ रही थी और अब क्या क्या बोल रहे हैं। तो अब क्या करना चाहती हो? थैंक्स कहना है, बस इतना ही? हाँ। तो कहो। लाखों बार शुक्रिया। लाखों बार शुक्रिया, तो करोड़ों बार कर दो ना। क्या हुआ? सिर्फ इतना ही। तो अब जाओ ना। इसके जैसा घमंडी नहीं देखा। Thousands of thanks. अरे अरे अरे, क्या सोच रहे थे आप? समझ गई समझ गई, उस लड़की के बारे में सोच रहे थे। कौन? मैं सोच रहा हूँ? वो सोच रही होगी मेरे बारे में। झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोलिए।
मैं झूठ नहीं बोलता, समझी? वही सोच रही होगी या कम से कम जिक्र तो कर रही होगी। हाँ यार, 4440 हमको नजर आई। वाकई नजर आई क्या? क्या बात हुई? कौशल्या, अगर हकीकत बोलेगी तो ये तेरा मजाक उड़ाएंगी। क्यों ना इन्हें उल्टा बोलू? हाँ यही सही रहेगा। हम बोलेंगे तो आप लोग यकीन कर लेंगे ना? हमारी नजर से देखेंगी तभी यकीन आएगा, फिर पूछोगी वो कहाँ है। अरे अरे सुरेश, आपकी मुलाकात हुई क्या? क्या बात हुई? रोज नजर आती है बस स्टॉप पर, और फिर जब पलट कर देखा तो मेरी तरफ भागती हुआ आ रही थी। फिर क्या हुआ? मैं तो बहुत डर गई थी, इतने सारे लोगों के बीच हमारे सामने आ गया जैसे हमको बचपन से जानता है, बिल्कुल करीब आ गया। इतने पास आकर क्या था उसमें? मोहतरमा, जरा अपनी हॉबीज बताएंगी प्लीज? सिगरेट पीना, शराब पीना, लाइन मारना, इन सब से हम बहुत दूर रहते हैं। हमारे सर पे हाथ रख के कसम खाई उसने, ये सारी बातें तो हमने उससे पूछी भी नहीं थी। एक बात पूछ सकता हूँ, लेकिन बुरा मत मनाना, तुम मॉडर्न कपड़े कब पहनोगे? अब उसके बारे में मैं क्या क्या बताऊँ? मॉडर्न कपड़े, चेन, घड़ी, अंगूठी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बहुत सिंपल है। गिड़गिड़ाने लगा। अरे लेकिन वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया क्यों? अरे और किस लिए? थैंक्स बुलवाने के लिए। मैंने उस दिन उस पर छींटे नहीं उड़वाए तो थैंक्स बोलना चाहती थी। जब उसने बोल दिया तो मैंने कहा जाओ। उसने फौरन हमको पलट कर देखा और धीरे से वो मेरे बहुत करीब आ गई थी। घबराहट से हमें पसीना आने लगा, तभी मेरी सीटी पीटी गुल हो गई थी, हमारे हाथ पैर फूलने लगे, फिर वो मेरे और करीब आ गई। वो अगले पल क्या करेगा सोच के डर रही थी। अचानक दीवानों की तरह मुझे, फिर क्या हुआ? अचानक बाहों में लेकर किस कर लिया। वाकई हुआ क्या? हाँ। लेकिन क्यों? पूछा ना, मैंने उसे यही पूछा, तब उसने हमसे कहा, हमारे शहर में ना ऐसे ही शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खूब। अरे फिर क्या करो? अरे ये पठाना का आवाज कैसा है? कौन फोड़ रहा है? अरे ये, अरे बाप रे, अरे कौन है? अरे किसने चला दिया? शोर मचा रखा है, कौन है ये बताओ? ऐसा लग रहा है घर में पटाखे चलाए गए हैं। अरे इतने पटाखे किसने फोड़े होंगे? हाँ माँ, ये पटाखे किसने फोड़े? किसने फोड़े ये? कौशल्या आई है। कौशल्या? ए कौशी। कौन है ये? मेरे रिश्तेदार की लड़की है, यहीं पास में रहती है, उसी की हरकत है। ओ, उसने आते ही हंगामा मचा दिया। उसके बारे में नहीं पता है, बहुत ही शैतान और पागल लड़की है वो। क्या उसका बस चले ना तो अपनी शादी में भी पटाखे फोड़े और नाचे। अपनी शादी में कौन नाचता है यार? दम है। पकड़ो 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 पकड़ो, मुझे पकड़ो। रुको, रुक जाओ, बात सुनो। नीलू, चींटे वाली लड़की यहाँ क्या कर रही है वो? 4440 लगता है वहम है। सच हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो? अरे अरे भगवान जी। अरे अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? कुछ नहीं, इन्हें अचानक देखा ना तो मैं डर गई बस, और कुछ नहीं। आप सुरेश को पहले से जानती हैं? अरे नहीं 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 जानती। ओके कौशल्या, ये है सुरेश। जानती हूँ। जानती हो कैसे? नहीं नहीं नहीं, अभी आपने बताया ना। हाँ सुरेश, ये है कौशल्या। जानता हूँ, मैंने ही बताया, यही कहोगे ना? नहीं, वो तुम्हारी माँ ने बताया ना। अच्छा लगा। नमस्ते नमस्ते। मैं आता हूँ। हम भी जाते हैं। बुरा फंस गया, अब तू क्या करेगा बेटा? बिना सोचे समझे उसको कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया तूने। तेरा दिमाग घास चलने गया था क्या? अरे भाई सुरेश, अब तो लटक गया तू।
दोनों मिलकर खिचड़ी पकाएंगी। निकल लो यहाँ से। बस बस मैं डाइट पर हूँ माँ। 8 से 10 डोसे कौन खा सकता है। अरे सुरेश वापस क्यों जा रहे हैं? नहीं वो मैं खा रहा था ना इसलिए। तो क्या हुआ? हम छीन लेंगे। इधर आइए साथ में बैठकर खाते हैं। शर्माने की जरूरत नहीं है सुरेश, कौशल्या हमारे जैसी है, खुश मिजाज है। देख चुका। अरे इस टिफिन में क्या है? अरे अरे बताना भूल गई, माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए। जबरदस्त है, लाखों बार शुक्रिया। क्या कहा? लाखों बार शुक्रिया। ये मुझे सुरेश ने सिखाया है। हाँ? सुरेश ये सुनकर इन्हें झटका लगाना अगर ये कार वाली बात। अरे क्या 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 होगा? कौन सी कार, कैसी कार है? कुछ नहीं, सब सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं, आपस की बात है यार। अरे इसमें टेंशन वाली क्या बात है, कौशल्या भी तो अपनी है। कार वाली क्या बात है? बारिश हो रही थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था और हीरो की तरह ये कार लेकर निकले। पानी को चीरती हुई कार बहुत स्पीड से जा रही थी। कोने में एक लड़की खड़ी थी। एक तरफ कार एक तरफ लड़की, एक तरफ कार एक तरफ लड़की। कार लड़की करे तो क्या करे, कार बहुत करीब आ गई और वो लड़की भी टेंशन में थी। तू होती तो क्या करती? हम चुप। एक मिनट यार। करेगी क्या, गाड़ी सामने से आ रही है, बारिश का पानी भरा हुआ है तो साइड में ही हट जाएगी ना। जानते हो उस लूजर ने क्या किया? लूजर? अरे अरे सुरेश याद है ऐसे 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 कर रही थी वो। फिर क्या होता, कार पूरी रफ्तार से आ रही थी, उस लड़की को देखते ही स्लो हो गई। फिर लूजर ने क्या किया? शुक्रिया अदा करके चली गई। क्या कहा? मेरा मतलब कि उससे थैंक्स कहा। उसने शुक्रिया कैसे कहा, उसी में तो असली किक है ना। क्या कहा? हाँ किक। उसने जैसे ही सुरेश को देखा ना, पकड़ के किस कर दिया। सुनो लग गई वाट। कैसा इंसान है, खुद के चक्कर में मुझे नीचा दिखाया। कौशल्या इसे छोड़ना मत, संभल के रहना होगा। झटका लगा ना? हाँ बेशक बेशक झटका लगा। जाने दो, हमें भी लगा था। 4440 तुम्हारी तो खैर नहीं। और क्या होगा? और वो लूजर देखते ही देखते सुरेश की दीवानी हो गई। कभी यहाँ से देखने लगी, कभी वहाँ से देखने लगी, कभी आगे से कभी पीछे से। वो तो इनके पीछे पागल है पागल। हमको तो लगता है कि उसका पूरा घर ही पागल होगा। हेलो जाना था। तशरीफ रखिए। किस किया था ये सब? खुद की बड़ाई के वास्ते कहा था या ऐसा होना चाहिए था इस नियत से कहा? नहीं वो मैं मजाक कर रहा था, वो बस मजाक कर रहा था, उसके लिए माफी। किस बात की माफी? उस लूजर से माफी मांग रहे हो? अरे नहीं तुमने वो यहाँ बहुत बड़ी नहीं, ऐसी, है ना? ऐसी बात नहीं है, देखिए मजाक लग देखो, रहा है। दादाजी नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था मजाक के तौर पर। डर लग रहा है? हाँ। झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। छी इतना बड़ा झूठ, छी फिजूल में इतना बड़ा झूठ बोला। नहीं नहीं ओह ऊपर वाले कोई लाखों रुपए देना तब भी हमसे ऐसा झूठ नहीं बोला जाएगा। अगर हमें झूठ बोलना पड़े या कुएं में कूदना पड़े तो हम कूद जाएंगे पर झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं वो बात नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बताओ बात तो सुनो। बोलो ना जबकि बोलते क्यों नहीं? झूठे कहेंगे छोड़ूंगी नहीं। माफी मांग लो, माफी मांग लो। बिल्कुल नहीं, माफी नहीं मिलेगी। प्लीज मुझे माफ कर, कसम खाता हूं नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। उस रोज आपने मुझ पर छींटा नहीं उड़ाया ना, इसलिए माफ करती हूँ। अब जाइए, प्लेट ले जाऊं। जाइए ना। प्रदीप ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आपको अपुन ने ईरोड क्रियलिटी ऑप्टिकल से चश्मा ला कर दिया है, अभी दिख रहा है ना? अभी ठीक बोर हो रहा है, मेरे को अभी गाना सुना। आज तो जीने की तमन्ना है, आज बहुत पुराना गाना गा रही है। मैं गाता हूँ वैसे गाओ। मुझे प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया जब से मैंने तुझे देखा है। गाओ। क्या ये तुम्हारे पसंद का गाना है? इसे इस गाने अपुन को पसंद है। रबा गाओ। हो, रबा हो, रबा हो। क्या गाना गा रही है दादी, एकदम आइटम सॉन्ग की तरह।
अरे दादी, अपुन का गाना सुनकर उधर भी कोई गाना गा रहे लाए, चलो देखते हैं, चलो। अरे रे रे हमारा नी, चुप हो जा, पीले पीले जहरीला दूध पीकर मर जा तू, हमारा नी मर जा रे, अगले जन्म तू अनाथ पैदा होगी, धरती माँ तुझे अपना लेगी, पीले जहरीला दूध पीले। अरे जहरीला दूध पिलाने वाली अब तू सेंट्रल जेल में जाकर खाएगी दाल रोटी। अपुन बहुत दिनों से देख रहा है तू यही कर रही है, तू बच्चे को स्लो पॉइजन पिला रही है। बच्चे को मार डालेंगे, मार डाल दे, मैं तेरे को पुलिस में दे दूंगा, समझी क्या? तेरे को तो जेल जाना ही होगा, समझी क्या? बुड्ढी भागती किधर है? मर्डर ये जहरीला दूध पिलाकर मारने नहीं दे रहा है बच्चे को। ओ तेरी डैडी, ये सब तेरी हरकत है क्या? हाँ, लड़की पैदा होने पर जहर का दूध पिलाने की यहाँ की रीति रिवाज है, उसकी परवरिश करने से लेकर शादी ब्याह करने तक सब कुछ खत्म हो जाता है, चल जाया से। ओहो, लड़की जाति से इतनी नफरत है तुम लोगों को? अगर हमारे बुजुर्ग भी ऐसा ही सोचते तो क्या होता, हमें इंदिरा गांधी नहीं मिलती, मदर टेरेसा, किरण बेदी, क्यों? हमारे पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बच्चियों को प्रणाम किया। अरे आप उनका यह मानना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और इतना ही नहीं, विजया क्रांति आईपीएस को पता है ना? वो पुरुष जाति के हैं। तू अपनी चोंच बंद कर रहे है, फिजूल की बातें मत कर, लड़की पैदा होने पर जहर का दूध पिलाने की यहाँ की रिवाज है, समझा? अरे तुम्हारे फैसले पे थूकता हूँ अपुन, मिस्टर सू। अच्छा हुआ तुमने इस बता दिया, वरना अपना मुंह तो गटर है, जहर वाला दूध पिलाने तो पिला दो। उससे पहले आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप एक लड़की को जहर वाला दूध पिलाना ही भूल गए। मैं पिला दूँ क्या उससे? मैं जहर वाला दूध साथ लाया हूँ, आराम से दे सकते हैं। कौन है वो लड़की, कितने महीने की है? 854 महीने की है। ए, वो तो 70 साल की बुढ़िया है। सही कहा, वो यही चे दूध पी ले रे भाई, दूध पी ले। अरे क्या हुआ अभी, पी ले, कहाँ गई कहाँ गई? बेटा तुम अमेरिका चले जाओ, सरपंच जी को फैसला लेने दो। अबे तू कौन है बे आप उनका ऐसा बोलने वाला? बिना मतलब के ये अंगूठा इस उंगली के बीच में मत आने दे, वरना पता है क्या होता है। लेकिन वो वहाँ कैसे जाएगा? ये देख ऐसे आता है, साउंड नहीं आया, वो अब आएगा। ये ले। ए, तुझे इस घर में तो क्या, इस गांव में भी नहीं रहने देंगे, ये पंचायत का फैसला है। देखो, अरे जा रे, मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा। जाया से, खामा का दिमाग खराब मत कर। ये सोच रहे कि हाई कोर्ट के जज की तरह फैसला सुना के जाएंगे, ये पागल भी इनके पीछे जाएंगे, है ना दादी? अरे बेटा, क्या इसमें वाकई जहर वाला दूध है? पागल हो क्या दादी, ये जहर वाला दूध नहीं है, ये मोज दर्द सूजन मिटाने वाले दवाई का दूध है, ये लो पी लो। क्या हुआ? अरे दस उंगलियां है मेरी, चलो सब मिल के लगाओ। कौशल्या, कौशल्या, उस दिन हमने आपको माफ कर दिया था। तुमसे मिलने तुम्हारी फ्रेंड्स आई हैं। फ्रेंड्स? हाँ, वो नाम रानी और प्रीति। प्रीति रानी, आप उनसे मिले क्या? हाँ मिला, उन्हें मैंने हॉल में बिठाया है। उफ, हम तो फंस गए। अरे हाय कौशी। हाय 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 कौशी, कैसी हो? खैरियत से हूँ, चलो बाहर चल के बात करते हैं। चलो चलो चलो। अरे हाँ, तो मैं मेहंदी लगाई है, कोई खास बात है क्या? बस बच्चों ने ऐसे ही लगा दिया। छुट्टियाँ कैसे चल रही है? छुट्टियाँ मजे में कट रही हैं। चलो ना बाहर चल के बात करते हैं। एक मिनट, मुझे अर्जेंटली बाथरूम जाना है। अरे कहा ना बाहर चल क्या के? बात कर रही हो? सॉरी सॉरी। क्या हो गया है आपको? जब से हम आए तब से देख रहे हैं, बाहर जाके बात करते हैं, बाहर जाके बात करते हैं। क्या बात है? वही तो हम भी कह रहे हैं, बाहर चल के बात करते हैं। ओफो, लगता है केस करने वाले ने कुछ किया है। क्या केस? अरे वो वही कार वाला लड़का, वही 444। चुप चुप चुप। 444 क्या हुआ, मुझे बताइए। अरे तुझे कुछ भी नहीं पता है, उस दिन कॉलेज में नहीं आई थी ना इसलिए। अरे बताना, क्यों चुप कर रही हो? मजा आएगा सुनकर। ये बोलने की क्या जरूरत थी, चलो बाहर चल के बात करते हैं। ये बात टाल रही है, क्या हुआ था तू बताना। अरे वो 444 इसे देखते ही पास आकर खड़ा हो गया, और पास आकर मालूम है क्या पूछ रहा था? हमें जानती हो? इसने कहा नहीं, उसने कहा हम वही है जो छींटे उड़ाए बिना गाड़ी लेकर गए थे। फिर मालूम है क्या हुआ, उसने इसे किस कर दिया था। अरे वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ऐसे थोड़ी होता है, पहली मुलाकात में कोई किस करता है, कैसा लड़का होगा वो। मैं तो गई काम से। हमें यहाँ बैठने के लिए कहा था। ये साहब कौन है? मैं बताता हूँ ना, आप लोग जो बात कर रहे थे ना, कार पार्टी, लॉन्ग ड्राइव, 444 कार, वो मेरी कार है, मैं ही वाला। कौशल्या, हमें बहुत अर्जेंट काम है, हमें भी जाना है, फिर मुलाकात होगी। ठीक है चलते।
बड़े बुजुर्ग कहकर गए कि 100 सुनार की 1 लोहार की। क्या कहा था तुमने, करोड़ों को ही दे दे तो भी झूठ नहीं बोलती। और क्या कह रही थी तुम, कोई झूठ बोलने के लिए कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। सच्चाई की मूरत। वैसे हमारे यहाँ करीब में ही एक कुआं है, बोलो कैसे कूदोगी? मुझे टाइम बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। बेशर्मी भी ना, तुम्हारे सामने शर्म खा जाएगी। समझती क्या आपने आपको? दोबारा गलत बात की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, झूठी कहीं की मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम्हारी जैसी झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। झूठ बोलते हुए एक पल भी तुम्हें शर्म आती है? क्या हंस रही हो? क्या हुआ? अरे क्या और क्या कर रही है? प्यार तो हम आपको वाकई में करते हैं। मोहब्बत? ए कौशल्या, अरे रुको, अरे रुको, सुनो तो। पास मत आना, प्लीज पास मत आना, प्लीज देखो देखो, प्लीज मेरे पास मत आना। सुरेश, क्या देख रहे हो तुम? आज मदर्स डे है ना, तो माँ को विश कर रहा था। ओ। ये तुम्हारी माँ है? मुझे तो यही बताया गया है। इसका क्या मतलब? जब से मैंने होश संभाला तो मुझे यही बताया गया कि ये तुम्हारी माँ है। कम से कम माँ की फोटो तो है, पिताजी का तो पता नहीं। मैं ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करता हूं, हे ऊपर वाले, कभी किसी बच्चे को अनाथ मत छोड़ना। इन फूलों को यहां रख दो। दादाजी, घर में इतनी सजावट क्यों की जा रही है? कोई पूजा है? हाँ पूजा है। कैसी पूजा? शुभ ग्रहों की खातिर पूजा करनी है। कोई तुर गांव में फूलों के गुच्छे मिले या ना मिले, लेकिन हमारे गांव में आसानी से मिल जाते हैं। फूलों की खुशबू से पूरा घर महक उठता है, यहाँ का पूरा माहौल खुशहाल हो जाता है। सारे काम अच्छे से हो इसी खातिर हम लोग पितरों की पूजा करते हैं। बेटा, ये है हमारी बहन, इनका नाम है विजयलक्ष्मी। 92 की उम्र तक कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अचानक इनका इंतकाल हो गया। ये हमारी छोटी माँ, इनका नाम सरस्वती है। शादी से पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया। बेटा, ये हमारे छोटे दादाजी की पत्नी है, हमारी दादी मंदाकिनी। ये बहुत खूबसूरत थी।
ये भी हमारी बेटी ही जैसी रही। क्यों बेटी कौशल्या, अब तो खुश हो ना। चलो ए चलो पूजा शुरू होने वाली है। अरे बच्चों का हल्ला नहीं है, हल्ला नहीं करो। चलो इधर आ, लाओ मुझे दो। आंखों में आंसू कैसे बेटा? तुम्हारा कोई नहीं है यही सोच रहे हो ना? सारे दुखों की वजह मन ही होता है, लेकिन अब तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे दादाजी कौन हैं, तो कहना तुम मेरे पोते हो। आज से इन्हें संजय की माँ कहने की जरूरत नहीं है, माँ कहकर बुलाना, इन्हें दादी कहना, कहना कि ये तुम्हारी दादी हैं। हाँ बेटा, आज से ये सिर्फ संजय के ही नहीं तुम्हारे भी छोटे दादा हुए। इस घर के सभी सदस्य तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये घर तुम्हारा अपना है बेटा। अब तो शिकायत नहीं है ना? आपकी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये गांव है, कोई शहर नहीं। हमारे परिवार के बारे में जानने के बाद भी तुमने ऐसी जुर्रत की? हमारे परिवार में ये सब नहीं चलता है। अरे कौन हो, कहां से हो, कुछ भी नहीं सोचा तुमने? ए, इसे भेजने का इंतजाम करो और इसे तैयार होने के लिए कहो। अभी आधा घंटे में निकलना होगा, उसके बाद अगर एक मिनट भी रुके तो शुभ घड़ी निकल जाएगी। उसी वक्त कौशला के पिता से बात करके शकुन की थाली दे देंगे। दादाजी, आपने मुझे डरा दिया था। बेटी प्यार हमें कबूल नहीं है, लेकिन हमारी पोती को प्यार है तो इनकार भी नहीं है। क्यों सुरेश, घबरा गए थे क्या? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। अरे भाईजान आप? अरे सुरेश, यहाँ कैसे आना हुआ? दोस्त का गांव है, तिरुपति घूमने आया था। अच्छा, आप यहाँ कैसे? मैं बस यहाँ पे गांव आया था तो पता चला कि गाड़ी बिक्री है, तो मैंने बस दाम लगा दिया। गाड़ी कैसी है? कितने की बोल रहा है? 1.25 लाख की बोल रहा है। मॉडल क्या? 98 का मॉडल है। डीजल इंजन है? नहीं, पेट्रोल है। छोटा मोटा काम निकलेगा इसमें। हाँ। इसके टायर भी घिसे हुए हैं, इंजन चल जाएगा। 70-75 में मिल जानी चाहिए, लेकिन आपने तो 1.25 लाख बोल दिया है। अरे क्या फिजूल की बातें करो सुरेश, मैं तो एडवांस भी दे चुका हूँ। आप एडवांस वापस ही ले लीजिए। अच्छा, रामू तुझे अलग से बोला पड़ेगा क्या? इसे उठाकर वहां रख। क्यों मालिक, इन्हें चाबी नहीं दी क्या? मैं तो इन्हें दे चुका हूँ। तो फिर क्यों आए हो? किसी ने बताया कि गाड़ी बहुत महंगी है। किसने कहा? वो मेरे गाँव का भाई है। अगर आपको गाड़ी देनी है तो कुछ कम। एडवांस दो मुझे। ये लीजिए मालिक। ये लो, ऐसे ही ले जाओ। मैं कोई भिखारी भिखारी नहीं हूं जो इसे ऐसे ही ले जाऊं। देखो, मैं तुमसे खुले शब्दों में कह रहा हूं,
अगर तुम इसे ऐसे नहीं ले गए तो देखना मैं इस गाड़ी का क्या हश्र करता हूं। क्यों भाई, वो ऐसी बातें क्यों बोल रहा था? वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए, वो कुछ भी नहीं करेंगे। कौशल्या, तुम्हारे पिताजी आए हैं। पापा आए हैं। कैसी हो गायत्री? अरे आओ आओ, कैसी हो चाचा जी? हाँ, आजा। पिताजी आओ बेटी। माँ, ए दादा के घर आके माँबाप को भूल गई? नमस्ते माँ। क्या क्यों रही, एक फोन तक नहीं किया मुझे? क्यों बेटी, दामाद जी नहीं आए? पता नहीं पापा क्यों नहीं आए। मुझसे कहा कि तैयार हो जाइए, दोनों साथ में चलेंगे। बाहर किसी काम से गए थे, वहाँ ना जाने उन्हें क्या हो गया। मुझसे कहा कि मेरा मूड खराब है, मैंने कहा कि नहीं चलेंगे क्या, आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। कैसी हो बेटी, खैरियत है? वजह जानने की कोशिश नहीं की? बेटी उनके मूड का कोई भरोसा नहीं है, जब देखो खराब हो जाता है। और अगर मैंने पूछा क्या हुआ है तो मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन तुम पूछोगी ना तो तुम्हें सब बता देंगे। पापा मैं कौशल्या। अब कैसी हो बेटी, आप यहाँ आए क्यों नहीं, बताइए मुझे। तुम्हारी माँ पहुँची? अभी अभी पहुँची, पर आप क्यों नहीं आए? बात ये है कि बेटी, आपकी आवाज दबी हुई आ रही है, क्या बात है पापा? हेलो, वो लड़का मेरे साथ खेल रहा है बेटी, बार बार वो मेरे सामने आ जाता है, जानबूझकर मुझे टॉर्चर कर रहा है, मैं क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं पापा? उसे तो तुम्हारे पिताजी ने कभी पैसों की परवाह की है क्या कभी? नहीं पापा। उस लड़के ने ऐसा कहा, चार लोगों के बीच मेरी इज्जत उतार कर रख दी। कौन? अरे वही बेटी, वही लड़का, वही जो बस में था। अरे उसे बस में ही चलाकर खत्म कर देना चाहिए था, छोड़ दिया। वो कौन है पापा, आपको परेशान क्यों कर रहा है, आपसे क्यों उलझ रहा है, उसका दिमाग खराब है क्या? बहुत ही बदतमीज इंसान है वो। कौशी मेरी बात सुनो, कौशी रहने दो बेटा, तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें ये सब बताना नहीं चाह रहा था, तुम फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करूं? अच्छा सुनो, ये सीताराम कभी भी पैसों की परवाह नहीं करता है। अच्छी अच्छी चीज को आग लगा दी मैंने। हाँ देखो बेटी, तुम खुशी खुशी दादाजी के घर पर रहो, हाँ? क्यों बेकार की बातों में हम लोग बहस करें? तुम परेशान मत हो, मैं दो दिन में वहां आता हूँ। क्या कहो? ठीक है ठीक है पापा।
ये देखो दादी, उफ, उफ। इसको कहते रोप स्किपिंग, अब तुम करो। अरे क्या रे, ये स्किपिंग छोड़, बाप से झगड़ा करके रोड पर खड़ा कर दिया। अरे दादी, अपुन तेरे बॉडी का शेप देके अक्षय कुमार के साथ शो कराना चाह रहा और तेरे को मजाक लग रहा है। दादी वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगे लिए? चलो वही चल के तसल्ली करते, जहाँ पे भीड़ लगे ला वहाँ पे जाके देखना ही अपना कल्चर है। चलो देखते है, आ जाओ। तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम जाओ। ये क्या डैडी, तुम क्या कावेरी नदी का मसला हल करने के लिए इधर बैठा है क्या? ए, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, चल जा। इसका शक तो अपन को पहले से ही था, कलर कॉम्बिनेशन का भी लफड़ा लगीच रहा था। क्यों दादी, तुम्हारे परिवार में पहले झोल होता था क्या? चल रहे, पूछो उनसे। क्या है ये? हम कुछ कहना चाहते हैं। कल रात को स्वामी जी हमारा सपना में आए थे, बोले हमका कोनो चीज का कमी नहीं है। स्वामी जी अपना इच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जहाँ हम खड़ा हूँ यहाँ से 4 एकड़ जमीन घेर कर एक भव्य मंदिर बनवाओ, लोगों से पैसा लेके शराब चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ। चढ़ावे और वसूली का जिम्मा हमको सौंप दिया है। ये क्या फालतू गिरी है? वहाँ पर अचानक स्वामी जी किधर से अटपके? वहाँ तो 4 एकड़ में मंदिर बना हुआ है और उधर पीछे पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल है, उसका क्या होगा बताओ? हम भी ये पूछे, स्कूल वाला बात भी बताए। वो बोले घबराएगा कोई बात नहीं, अब अगर ऐसा ना ही करे तो देव का अपमान होगा ना। हा? देव का अपमान, इसे तो हटाना ही होगा। स्कूल हटाने के लिए बोल रहा है। अरे रुकना दादी, तेरे क्या बीच में, पीछे आ जा। चल टेंशन मत ले, पीछे आ जा। इस बारे में सरपंच का क्या फैसला है? फैसला नहीं कर सकते। काय को डैडी, परंपरागत है फैसला करने वाला, पुश्तैनी लोटा गायब हो गया है और उस लोटे के बिना हम फैसला नहीं कर सकते। ओहो, गायब हो गया था और अचानक से प्रकट हो गए, ऐसे स्वामी के लिए अपन के पास एक ही फैसला है। मिस्टर 5:30 चाहे जो भी हो जाए, अपन अपना फैसला सुनाता है। सब लोग जरा पीछे हट जाओ। अरे चलो चलो चलो। सरपंच के लोटे को चुराया और उसको स्वामी का नाम दे दिया ना। तुम तो हमारा दुकान खुले से पहले ही बंद करवा दियो। छे, सरकार जो अपंगों को साइकिल देती है ना, वो इस साल तुम्हारे को मिलने वाली है। वो कैसे? वो ऐसे। छोटे बच्चे का भविष्य बिगाड़ने वाले को अपुन कभी छोड़ेगा नहीं साला। चलो पिछड़ो पिछड़ो, लगता है मालिक ये मर जाएगा। अर्जुन, अर्जुन कौन है? किसी ने इसे कार से उड़ा दिया मालिक। किसने किया? जानबूझकर नहीं किया, वो अचानक से बीच में आ गया। तुम बीच में आए, तुम ही बीच में आए। तीसरी बार तुम मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हो। मुझे देखकर तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, मेरा गुस्सा मजाक लगता है? तो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है, मैं समझ रहा हूं। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, काट डालूंगा। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम गलत हो, तुम गलत इंसान हो, तुम्हारी हर हरकत गलत है। बस अब मेरी बात सुनो, यहां एक और मौत हो इससे पहले चले जाओ। अगर फिर कभी तुम मुझसे टकराए तो शायद मैं अपने बस में नहीं रहूंगा। चले जाओ, चले जाओ। बड़ा बना रही है। अरे उधर तो सुरेश आ गया, उसको भी दो। अचानक केक किस खुशी में? ये पहला बार परिचम पास भवी है ना, वही खाती है। बस
मालिक, ये गाड़ी आपके ससुराल में कैसे? क्या कहना चाहते हो? मालिक, इसी गाड़ी ने आपके कुत्ते को उड़ाया था। तुम होश में तो हो? मालिक, मैंने खुद देखा था, यही काला रंग, यही 444, इसी गाड़ी के ड्राइवर ने हमारे कुत्ते को उड़ाया था। मालिक, हो ना हो वो यहीं पर होगा। मालिक, प्यार करना आता है, चुपचाप खा लो। अरे नहीं, कितना नहीं, 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 नहीं। नहीं। शादी भी करवा देंगे। खिला। अरे खिलाओ बाबा। अरे खिलाओ बेटा। अरे, अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे संभाल के। उठ। पापा, संभाल के मेरे सामने मत आना। यहाँ क्यों आया? अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इसे? ये अंदर कैसे आया? चल निकल। अरे निकल। सुनो भैया, इसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। तुम लेकर आई? हाँ। किसे घर में लाना चाहिए पता नहीं है? क्या कह रहे हैं दामाद जी? आप ही का पहले से जाना था का? हमारे घर के मेहमान है ये। ये मेहमान नहीं है, शैतान है। क्या कह रहे हो दामाद जी? उसे अभी के अभी यहाँ से दफा कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। सुरेश बोलो बेटा, आखिर मसला क्या है? दादाजी, उस दिन कार वाली बात तो कौशल्य को भी पता है। कौशल्य इनको तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? रुक जाइए दामाद जी, वो कुछ कहे चाहत है, सुन तो लीजिए। कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। कौशल बेटा, मैंने तुझे बोला था किसी ने मुझे बेइज्जत किया, ये वही है बेटा, वही है, यही है वो जिसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। आपको गलतफहमी हुई गवार, ये नेक लड़का है। नेक और ये खूनी है, पापी है। कौशल बेटा, अपने कुत्ते को जान बूझ कर कार से मार दिया। मेरे यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर। चल अब यहाँ से बाहर निकल। सुनिए तो सही मेरी बात। तू गलत आदमी है। चल निकल लीजिए। निकल। अरे छोड़ दीजिए, यहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी, समझ गए आप? मैं इसे अपना घर समझता था कि आप सब मेरे अपने हैं। मुझे यह गलतफहमी थी कि मैं आपका हूं। हम आपके रिश्तेदार हैं, हमने अपनी बेटी दी है आपको। वो मर गई है ऐसा समझ लीजिए। सिर्फ इस हरामखोर की वजह से हमारे 22 साल के रिश्ते जलकर राख हो गए। जहां मेरी इज्जत नहीं है मैं वहां नहीं रहूंगा, और ना ही मेरी बेटी रहेगी। अरे चलो आओ बेटा। अरे एक एक ईंट हिला हिला कर आखिर तूने मेरे घर की दीवार गिरा ही दी। मैं तो तुझे शैतान समझता था, लेकिन तू तो उससे बड़ा है। अच्छा, इसमें देखना फिल्म कौन सा लगा है? कौन सा लगा है? बगल में डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में लिखा है, वो नहीं पढ़ोगे क्या? वो कौन है? जाहिल कही के। आए, दो पैकेट कैंसर देना। सुपर हीरो, अमेरिका में कोई नौकरी लगाओ ना। कहाँ तक पढ़े हो? चौथी क्लास, फेल। शाबाश, बिल गेट्स के घर में गेट खोलने का काम है करोगे? मोदी के करे दा। तेरे को बहुत ज्यादा है। इसके मतलब? उजली कहीं का। दादी ये ले सिगरेट। ये मार खाने का दिल कर रहा है क्या? सॉरी, सुस्त क्यों बैठे लिए? सुबह जॉगिंग नहीं की क्या? वीली कर रहा हूँ, जॉली कर रहा हूँ, बॉली कर रहा हूँ, बोलकर हमको मोटरसाइकिल के पीछे बैठा दिया और ले जाकर गिरा दिया। हमारी कमर टूट गई, आज पेट दुख रहा है और खाना भी नहीं खिला रहा है। खाना खाना खाएगी तो तेरे को सुस्ती आएगी। फुल्ली कार्बोहाइड्रेट, तेरे लिए बहुत अच्छा डाइट फूड लेके आया है। लेट आगे करना, ये लो। ये लो क्या है? पत्थर खिलाएगा? पत्थर? पागल की तरह बात मत करना, इसे कहते कैलॉक्स। चलो बोलो कैलॉक्स। आएगा, ये तो सीखी हुई मकई है। वही चे, उसे आजकल मॉडर्न पैकेट में डाल के बेचते, फुल प्रोटीन। आजकल शहर में औरतों को काम करने की जरूरत ही नहीं है, जब भी खाना मांगो तो प्लेट में दूध के साथ ये डाल के दे देती है। और बूढ़े भी खाएंगे। ये माइक में बोलो, सबको पता चलना चाहिए। दादी वो देखो,
ये डबल इंजन लगाए क्या? क्यों भाई, ये डबल इंजन के साथ गाड़ी में बच्चों को बिठा के तिरुपति लेके जा रहे हो क्या? ए, तू बकवास बंद कर, ये सारे बच्चे मेरे हैं, मैंने पैदा किए हैं। तूने इस पैदा किया? हाँ। अरे ऊपर से देखने के बाद ऐसा लगता है कि तू बच्चों का मेला लेके जा रहे है। ओ चुप कर, नजर लग जाएगी। मेरी पत्नी फिर से डिलीवरी के लिए गई हुई है, उसे कुछ हो गया तो फिर माँ बनने वाली है। अरे पापी, गाड़ी में भी लोडेड, घर में भी लोडेड। अरे परिवार नियोजन के बारे में तेरे को पता ही कि नहीं? सरकार परिवार नियोजन वाले चीजों को मुफ्त में दे रही है। अरे जाओ ना यार। क्यों? अरे मुझे परेशान मत करो, सरकार क्या मुफ्त बांट रही है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ यहाँ से। सरकार जरूरत के साधन का प्रयोग मत करो ऐसा कह रही है? ये क्या बोल रहे है? अंधा है क्या, पढ़ नहीं सकता? प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए। अबे वो अलग प्लास्टिक होता है बे, वो प्लास्टिक अलग होता है बे। जाने यार। भारतीय राजनेताओं, सबसे पहले इन लोगों को शिक्षित करो बे, नहीं तो 100 करोड़ की जनसंख्या 1000 करोड़ पहुंच जाएगी। इनका दिमाग भी प्लास्टिक की तरह ही है, इन लोगों का कुछ नहीं होगा। अरे वो सब छोड़, तू किस प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा है? तेरी कितनी औलादे है दादी? तेरे बाप सरपंच को मिलाकर 12 बच्चे। टू लेट, अब तुम्हें समझा के कुछ फायदा नहीं है। बंजर जमीन पर खाद डाल के कोई फायदा नहीं है, इनको समझा के कुछ फायदा नहीं है। वेलू को देखा क्या? गाड़ी में बच्चों को लेकर जा रहा था, उसकी बीवी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ ये बात है क्या? उसकी डिलीवरी करवाने वाली भी तुम ही हो क्या? सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी सभी बच्चों की डिलीवरी हमने अपने हाथों से कराई है। इस हाथ से तुमको इनाम देता हूँ, जरा हाथ ऊपर करके दिखाओ। इसकी बात मत सुनना, ये कुछ भी कर सकता है। अरे चुप रह बुढ़िया, तू तो जलन में बोल रही है ना। बेटा अमेरिका जाकर आया है, इसलिए वो जरूर इनाम देगा। दूंगा, पहले हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। तेरी तो तुम मुझसे मिलने आ गई कौशल्या, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, शुक्रिया। हमें थैंक्स कहना चाहिए सुरेश, हमारे वास्ते, हमारे परिवार के वास्ते आपने इतना बड़ा अपमान सह लिया, उसके लिए थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। कौशल्या ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं जानती हूँ सुरेश, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे बहुत गलत समझते हैं। थोड़ा सब्र करो, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है वो खुद ही समझ जाएंगे। वो भी आप ही की तरह हैं सुरेश, वो बहुत अच्छे हैं। मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ, शुरुआत से ही आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। मगर पापा हमारे वास्ते अपना गुस्सा थूक देंगे, हमने उनसे जो भी मांगा उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, देख लेना वो हमारे प्यार को कबूल कर लेंगे। हाँ एक और बात सुरेश, हमें पापा भी चाहिए और आप भी चाहिए। I love you, Kaushalya. I love you. Ha ha ha!
ऐसा नहीं आप कर सकते वाली। छोड़ो मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या किया आपने पापा? हमसे गलती हो गई पापा, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे पापा। ऊपर वाले के वास्ते हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे पापा। हम कसम खाते हैं उससे मिलने कभी नहीं जाएंगे। हम आपके बिना नहीं जी सकते पापा। आप हमारे लिए सब कुछ है पापा, सब कुछ है। आपके आगे कोई भी नहीं। आप जो कहेंगे करूंगी पापा। कुछ बोलिए ना पापा, आप नहीं बोलेंगे तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी पापा। नहीं बोलेंगे तो मैं मर जाऊंगी। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना पापा। माफ कर दीजिए पापा। चुप हो जा बेटी, तू तो मेरी जान है। प्यार करना गलत बात है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। मैं प्यार के खिलाफ नहीं, लेकिन वो लड़का बहुत गलत है बेटी। जब प्यार करने वाला ही गलत हुआ तो प्यार गलत हो जाएगा ना बेटी। भूल जाओ उसे बेटी। पेपर में क्या लिखे लाए दादी, देख रही हो? सरदार के सर को काटो। सरदार के सर को काटेंगे तो सिर्फ दाढ़ी बचेगी। अरे तुम छोड़ो, सर और दार में थोड़ा फर्क होता है। क्या फिजूल की बातें करता है। हे इधर आ, ये सब क्या है बे? बैल के गले में गमछा लपेटा है, माला डाला है, इलेक्शन जीत के आ रहा है क्या? अरे सुपर सुब्बू वाट कट्टू है। वाट कट्टू? बल्ली कट्टू। इसका मतलब? बैल को रोकना। ओ। जिस लोगों के गले में माला है उनके हाँ। लिए है ये खेल। ओ। जो इस बैल को रोकेगा ना हाँ। वही वीर कहलाएगा और इस बैल के खेल में जो है शामिल होगा। ओ। हाँ। मतलब बैल के साथ अकेले में भिड़ना होता है क्या? यही हाँ। पता ही कैसे हाँ। होगा। बैल को भगाकर उसके ऊपर चक्रवर्ती आदमी कूदते हैं। हाँ, वही चे वीर जो करता है बैल को पलटी। अच्छा ये तो अभी सीधा साधा लग रहा है, खेल खेलते वक्त ये हिंसक कैसे हो जाता है? बैल को शराब पिलाकर उसे पीछे लकड़ी से मारते हैं। बैल के खेल का कोई मजा नहीं है। शराब पिला के लड़ाते हो क्या बे? गवर्नमेंट को पता चला ना तो ऐसी की तैसी कर देगी। अच्छा भाव मिली तो दे देंगे। हद हो गई, इस बैल का मालिक गरीब है, उसे छोड़ दो, उसको जीवन चलाने का भैया, है। हाँ? इसे बरसों से पाला है तब जाके हाँ? ऐसा बैल तैयार हुआ है हाँ? जो इसे रोकेगा कहलाता है। उस जमाने में बैल चलता था, इसके लिए बैल को चलते हुए रोकते थे, लेकिन आज तो ट्रैक्टर का जमाना है ना बे हाँ? तो तुम लोग फुल स्पीड से आने वाले ट्रैक्टर को रोको ना, जो एक हाथ से ट्रैक्टर को रोकेगा ना वही सच्चा वीर है। क्यों दादी? इस देश में रोकने के लिए बहुत सारी चीजें, अपनी जुबान को रोको तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे बात करके हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जाओ खेलो खेलो, अपना खेल चाली रखो। तुम लोग को 70 mm पर्दे पे समझाऊंगा तो भी तुम लोग को नहीं समझने वाला। ये 70 mm क्या है रे? वो एक बड़ा पर्दा होता है दादी। कितना बड़ा? कभी दादा की धोती खोल के देखी है? छी, क्या गंदी बातें करता है। तुम चुप रहो दादी, मेरे कहने का मतलब है इतना बड़ा पर्दा होता है। अबे रुक जाओ, ये क्या हुआ बे? इस भाई के पेट में इतना बड़ा होल कैसे हुआ बे? अरे इसे चोट लग गई है, अब इसे कहाँ लेके जाऊँ मैं? अरे रे, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। खेल खेल में बैल ने इसके पेट में सिंह घुसेड़ दिया ना। अबे ये क्या हुआ बे? तेरे बैग में इतना डेंजर लाइट क्यों जल रहा है? अरे यार बैल ने पीछे से घुसा दिया। तू हमेशा बैल के पीछे दौड़ता था ना, आज बैल ने तेरे पीछे घुसेड़ दिया। ये तो बड़े दादाजी के पीछे घुसा था। पीछे घुसा था। चाचा जी, आइए चाचा जी, आने को कहिए ना, कहिए ना। नमस्ते दामाद जी, आइए बैठिए।
बैठिए ना। बोले क्या बात? कहा धमाद जी, अजनबी जैसा बात कर रहे हैं। फिर कैसे बात करते हैं? जो बोलना है जल्दी बोलिए, मुझे बाहर जाना है। वो दिन जौन कुछ भी हुआ, ओका वजह से ससुराल मत भूल जाइए। भैया शायद गुस्सा में कुछ ज्यादा बोल दिए, उनका माफ करते हो। हर साल हम लोग साथ में मिलकर घर में ग्रहों का पूजा करवाते हैं, इस साल भी पूजा करवावे का है। आपको पूरा परिवार के साथ वहां पधारे का है। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं, सीताराम हूं। एक बार जहां मना कर दिया वहां से मेरी चप्पल जाती है। चलता हूं मैं। तुम क्यों रो रही हो बेटी? मुझ पे भरोसा नहीं करते ना। ये तुम क्या कह रही हो? कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता? अरे तू मेरी जान है, सीताराम की जान, तुझ पर भरोसा कैसे नहीं करूंगा मैं? फिर दादाजी के घर पर पूजा के लिए जाने से मना क्यों किया पापा? उस बात का इससे क्या संबंध है? वहां सुरेश है, इसलिए जाने से मना किया है ना। हम आपकी जान है पापा, हम आपकी बेटी बनकर वहां जाएंगे और वैसे ही वापस आएंगे। अगर हम लोग पूजा में नहीं गए तो लोग हमें गलत समझेंगे और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा पापा। अगर आप कहेंगे तभी मैं दादाजी के यहाँ पूजा पे जाऊंगी, वहां कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही हो बेटी, वहां कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो हमारा घर है बेटी, हमारे घर की पूजा है, उस पूजा में हम जरूर जाएंगे, जरूर। सुनो, ससुर जी के यहां फोन लगाओ। आइए। दामाद जी आइए। आइए दामाद जी आइए। नमस्ते। वो उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं यहाँ किसी का दिल रखने नहीं आया, मैं अपनी बेटी की वजह से आया हूँ। चलो बेटी। हाय कौशल्या दीदी, कैसे हो तुम? बताए कल सुरेश हम तेल कैसे टिकाई, सुपर थी, एकदम सुपर। पता नहीं वो उन्होंने कैसे बनाई। अब तुम आ गई हो ना तो मुझे जरूर बताना कि वो कैसे बनाई है। हाँ दीदी, चलो ना, चलो। तुम ऊपर जाकर खेलो, बाद में बात करना। हाँ चलिए, आओ बेटी, आओ बेटा, चलो। कौशल्या दीदी, सुरेश अंकल ने आपके लिए लेटर दिया है, ये ले लो। ये देखो दीदी, आ गई, दीदी आ गई। लेटर नहीं चाहिए। खोल के पढ़ तो लो कौशल्या। देखो सुरेश, इतना सब होने के बाद भी हम यहाँ वापस आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके इतने करीब खड़े होंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था सुरेश। अब हम लोग नहीं मिल सकते, इस बात को मान लो, यही हमारी किस्मत है। सुरेश, हमें ऐसे ही खुश रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
हमें अपनों को नहीं भूलना चाहिए। प्लीज मुझे कभी लेटर मत देना, उससे बात मत करना, ये सब सही नहीं है सुरेश। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात हमें पता है, इस बात को लेटर में लिखने की जरूरत नहीं। मैंने क्या लिखा है वो पढ़ तो लो कौशल्या। हम इतना सब कुछ कह रहे हैं और आप बार बार लेटर पढ़ने को कह रहे हैं। आपका प्यार सिर्फ इस लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है तो पढ़ लेती हूँ। ओके। कौशल्या तुम लोग तिरुपति आओगे या नहीं इस बात से मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब परेशानी दूर हो गई है। आगे भी कभी परेशानी ना हो इसलिए हम एक दूसरे से बात करना या मिलना बंद कर देंगे। हम लोग अलग तो रहेंगे लेकिन आने वाले कल में हमारी मोहब्बत को हम बरकरार रखेंगे। तुम्हारा सुरेश। इससे झाड़ पे शूट करूं? हाँ, इसको शूट करेंगे ना तो आपको शमशान ले जाकर जलाना पड़ेगा। इसका मुंह सामने रख कर शूट कर, ऐसा पकड़ उंगली इधर रख और सामने देख। और एक झाड़ की टहनी। तेरे को टहनी दिख रही है? हे भगवान हमको माफ कर दो, इस गरीब के तन के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है अब दूर रख के शूट कर ले। और तेरी ये क्या कर दिया रे? उसके नीचे एक लड़का खड़ा था, भूल गई। ओ तू तो ना दादी, चल चल जल्दी। हे भगवान हमको क्यों बचा लिए? अच्छा हो गया उसकी रस्सी कट गई, नहीं तो वही कट लेता। तुम हमको क्यों बचा लिए भाई? ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों मरने जा रहे थे? खाना नहीं था इसलिए। खाना नहीं है तेरे पास? पूरे देश को खाना खिलाने वाला किसान, उसके पास खाना नहीं है, ऐसा कैसे? ये धरती सूख गई है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, सारे कुएं तालाब सूख गए हैं, 2 सालों से बारिश नहीं हुई है और हर चीज का वजन बढ़ता जा रहा है। तो क्या हुआ बे? गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर का सब टैक्स कम कर दिया है ना बे। कार से कीटनाशक नहीं आता मेरे दोस्त। अबे इसने सोचने पे अपने को मजबूर किए लाए। एक बात बता तू, ये जहर पी के मर क्यों रहे ला बे? पतल खाना गोबर ये सब उठा के एक तरफ रख दे। गाय कुछ खाएगी तभी तो गोबर देगी। हाँ। और हम जब कुछ खाएंगे तभी तो कूड़ा करकट कुछ मिलेगा ना। हाँ। अरे बाप रे, इसने तो अपुन को इस चक्कर में डाल दिया। ठीक है अपुन इस तेरे रूट पे आता है, तू शराब पीता है? पूरी एक बोतल शराब पीता है। उसकी कीमत कितनी है? 40 रुपए। ये सब तेरे को कैसे पता? चल छोड़ना, मत बोलने लगा। ठीक है चल, तेरे बीड़ी कितने में आती है बता? वो सब फूकता रहता है। रोज का कितना खर्चा है? एक पैकेट 25 रुपए का होता है। तू मुझे इस तरह से घूर के मत देख, मेरा मुंह बंद नहीं होता। सुनो सभी किसानों, इधर को आओ, इधर को आओ, अपने इस दोस्त की कहानी सुनो। बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, घर पे एक भी पैसा देता नहीं है और कहता है कि बहुत खर्चा हो रहा है। अपने आप को सुधारने के बजाय घर छोड़ के जाने वाला साला बेवकूफ है ये। इतने सारे लोग अपने हैं, कभी इन लोगों को बताए कि तेरी परेशानी क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम लोगों को पता नहीं कि खेती कैसे की जाती है। तुम सब लोग गधे की तरह मेहनत करते हो, पता नहीं खेती करके कैसे पैसा बचाया जाता है। कितनी बार बोलूं, 1000 बार बोल चुका हूं मैं। तुम लोगों को अभी तक पता नहीं कि किस तरह से खेती की जाती है। तुम्हारी मेजोरिटी होने के बावजूद इंडिया में सबसे बड़ी मेजोरिटी तुम्हारे ही कारोबार की है। अगर तुम लोग सब एक साथ आवाज उठाते हो ना तो ये वक्त क्यों आएगा? सबकी सब नदियां एकजुट हो चुकी है, मगर साला तुम लोग एकजुट कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर किसी को किसका कुछ लेना देना नहीं है। जाति के नाम पे बिखरे हुए हो, प्रोफेशन के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, सबके चक्कर में सदियों से पीस रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को कौन बचा सकता है? हर एक गांव में एक एक किसान इकट्ठा हो जाए तो खेती करने के लिए बहुत सारा पैसा जमा हो सकता है, लेकिन बीबी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो, परिवार को सही रास्ता नहीं दिखा सकते हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये कह के पूरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने अपने आप की। अपने आप से ही ऐसी हालत बना ली है तुम लोगों ने। अपुन को लगता नहीं कि तुम लोग सुधरोगे, अपुन को ही तुमको सुधारना पड़ेगा। ला इधर दे। अब निकाल इस फंदे का और फेंक दे इसको। सुनना चाहता था लेकिन तेरी बेवकूफी बर्दाश्त नहीं हुई। मिस्टर 5.5, पहली दफा तूने सही बोला। जो अपुन ने बोला वही सही होता है। जैसे तूने बाप को कमा कर दिया है, सेटल हो जाऊंगा बेवकूफ कहीं का। बेटा तुमने हाँ। ये सब बात बोलकर हम लोगों की आंखें खोल दी। अब हम सब एकता दिखाएंगे, हम सब मिलके रहेंगे, लेकिन ये सब देखने के लिए तुम नहीं होगे बेटा। ये क्या बक रहे बे? चाहे फांसी से मरो, जहर पी के मरो, मैंने दोनों चीज तैयार हाँ। कर रखी थी। जहर कड़वा होता हाँ। है, इसीलिए इसमें कलर मिलाया हाँ। था, वो भी तुमने पी लिया। अब तुम मर जाओगे बेटा। ये क्या बोल दिया तूने? ये क्या पिला दिया मुझे? पागल कहीं किया? मैं तो मर जाऊंगा। मेरे पेट दर्द कर रहा है। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो रे, राइट चलो, लेफ्ट चलो, जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी। हॉस्पिटल किधर है मुझे नहीं पता। अरे तुम लोग मुझे ऊपर भेजोगे क्या? अरे देखो इधर ही होगा हॉस्पिटल, देखो नेताजी का पोस्टर फाड़े। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े साले, देख जल्दी किधर है। अरे शर्मिला हॉस्पिटल। सुनो भाई,
अरे वो हॉस्पिटल उस तरफ है। अरे चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो हॉस्पिटल ले चलो। अरे वाह बहुत अच्छा है ये, कौन लाया इसे? सुरेश अंकल। मैंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा, हाथ से छूटकर ये नीचे गिर गया, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, पहले ही वो आपको पसंद नहीं है और उहे नाराजगी में जानबूझकर वो मटका को नहीं तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा, ये सही है मुझे पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं उसके लाए हुए मटके को तोड़ने का नीच काम मैं नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कह दे भर से कि आप मटका तोड़े आप बौखला गए, लेकिन सुरेश दिन रात तू गलत है कहते हैं, सोचिए ओका कितना तकलीफ होगा, वो कैसे सहता होगा। आप कब सोचने का कोशिश की? अभी तक आप दोनों के बीच में जो हुआ था वो एक तरह की गलत फहमी थी दामाद जी। हाँ दामाद जी, जोन होई गवा वो होई गवा, उसे भूल जाइए, कलेश बढ़ाने से कोनो फायदा नहीं, इसमें ही समझदारी है। तो इन्हें बख्श तो दामाद जी, ये वाकई में अच्छा है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर देखो। सोच लिया, वो अब गलत ही है। अगर आप लोगों को लगता है कि यह मटका मैंने जानबूझकर तोड़ा है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, वो गलत था और गलत है। अच्छा अच्छा वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे पीछे पीछे। कमाल कर रहे हैं। ये ले। ये डाल रहे भाई साहब, ये तो इंक है। अरे चुपचाप डाल दे। अरे बोल रहे तो डाल ना। अरे भाई साहब ये तो इंक। भाई आप कहाँ जा रहे हो? अरे फूल चुनने जा रहा हूँ भाई, फूल चुनने जा रहा हूँ। ए, लगता है आज बहुत बिजी हो, आज कौन फंसने वाला है बताना यार, बताना। आइटम आइटम। अच्छा, ये लोग कौन है? ये हमारे गांव के वॉलंटियर्स है। अच्छा, जब घोड़ों की रेस देखने के लिए जनता खुशी से आगे आ जाती है तब ये लोग उन्हें डराकर पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं और जनता भी पीछे हट जाती है। ये लोग मेला भी देख लेते हैं और काम भी हो जाता है। कैसा लगा आइडिया? क्या कर दिया पीछे को है, जाकर धो के आ जाओ, जल्दी जाओ। इधर देखो। ठीक है माँ। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये। हे
अरे बाबू, अरे कोई तो बचाओ, क्या हो रहा है? अरे बाबू, छोड़ो मुझे, आगे आगे, अरे बाबू बाबू कर दी चली है। क्या हुआ था यहाँ पर, कोई बोलेगा, कोई बताएगा मुझे? तुम्हें क्या पता यहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो कैसे बोलेगा, मैं बताता हूँ। आपके बारे में ही अनाप शनाप बोल रहा था। भले ही हमारा आपका झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, हम एक ही गाँव के हैं, ये आपको कैसे कुछ बोल सकता है? मैंने इसे मना किया तो भी नहीं सुना। मैंने बोला तू बोलेगा तू मार खाएगा, फिर इसने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने भी इसे मारना शुरू किया। क्यों बेटा, क्या ये सच है? अब तो कुछ बोलो, क्या हुआ था बेटा? मालिक देखिए चुपचाप कैसे खड़ा है, ये जरूर कुछ कहा होगा। ये इस गांव के इज्जतदार आदमी है, गलत बात कैसे बोल सकता है? ये हमारे मालिक के ऊपर आरोप लगा रहा है, इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे मारो मारो, मेरे मौजूद रहने का क्या मतलब है? अरे इस तरह से कौन करता है? अरे कोई शर्म वरम है कि नहीं? नहीं है मालिक, हमारे मालिक यहाँ के प्रधान है, अब उनका बारे में कुछ गलत कहा ये अच्छा बात है? उन्होंने गलत किया है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मालिक जाने दीजिए, अब बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, अनजाने में हो गया होगा। आप माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए, छोड़िए हटाइए, चलो जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से सारे। अरे किसी को तो सुकून से रहने दो, चलो जाओ भाई यहाँ से, जमा हो जाते हैं, आजाओ। बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ था पता? क्यों रो रही है सच बता, मंदिर के पीछे गई थी ना तू और अचानक से चिल्लाई थी, पूछने पे भी कुछ नहीं बताया था। सच सच बता, मुझसे छिपाने की क्या जरूरत, सच सच बोल, पता ना क्या हुआ, क्यों छिपा रही है मुझसे? सुरेश कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकता और तेरे पापा के बारे में तो कभी गलत नहीं बोलेगा, मैं जानती हूँ उसे। सुरेश का झूठा नाम लेके कोई नहीं फंसा सकता, सच सच बता क्या हुआ बता ना। बोलती क्यों नहीं क्या हुआ था, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, मुझसे कुछ मत छिपा, बता ना, बता मुझे क्या हुआ। देखो
वो मनीष का लड़का पापा के साथ पुराने झगड़े की वजह से मेरे साथ ऐसा किया। ये बात सबको पता चलती तो हमारी बदनामी हो जाती, इसीलिए सुरेश ने कुछ नहीं बताया। मंदिर के लोगों ने हकीकत जाने बिना सुरेश को मारा। मालिक मालिक छोड़ दीजिए सर, मालिक मालिक नहीं, नहीं, मालिक मत मारिए मालिक, इसके मरते ही आपकी बेटी की भी इज्जत चली जाएगी। मालिक अभी तक ये बात किसी को पता नहीं है, कल सबको पता चल जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ मालिक, आपकी बेटी की खातिर इसे छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मालिक। चल माफी मांग, पैर पकड़ के माफी मांग। नहीं नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए, जो हो गया हो गया। सुनो, इस कमीने ने जो गलती की मैंने सजा दे दी। गलती कोई भी करे गलती ही होती है, मैंने भी गलती की है, मुझे माफ कर दो। आप गलती की है, मुझे माफ कर दो, मन से गलती मान रहा हूं। माफी मांग ली ये मत समझना कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। तो गलत है, मैंने कागज पर नहीं दिल पे लिख लिया और लिखा रहेगा, मरते दम तक लिखा रहेगा। ये बात तुम भी कभी मत भूलना। अब कैसे हैं आप? पहले जैसे ही छे। ये कितनी उंगलियां हैं? एक। एक क्यों बोल रहे हो, दो है ना ये तो। अब उनको सब कुछ अच्छा दिख रहा है सिस्टर। क्या कह रहे हैं आप, आपकी राइट आंख का ऑपरेशन हो गया है? क्या ऑपरेशन कर दिया? साला अपुन तो जहर पी के एडमिट हो गया था इधर, अपुन के आंख के लिए एडमिट नहीं हुआ था इधर, समझी क्या? नर्स, मुझे आंख की तकलीफ थी, तुम लोगों ने मेरे पेट का ऑपरेशन कर दिया। सॉरी सर, एक छोटी सी गलती हो गई, पेट की जगह आंख का ऑपरेशन कर दिया। अरे पापी, ये क्या छोटी सी गलती लगती है? इसका तुम लोगों ने पेट का ऑपरेशन कर दिया और अपुन का तुम लोगों ने आंख का ऑपरेशन काय को किया? किधर है वो डॉक्टर? डॉक्टर रूम में आ रहा हूं। ए, वो डॉक्टर किधर है? वहाँ है, अंदर है। सीधे से खाओ वरना इस खाने को दे दूंगी, देखो इसे। इसने तो अपुन की बेइज्जती करी, नहीं छोड़ूंगा। अरे सर पे काहे मारा, थर्मामीटर अंदर चला गया। अरे सुबह की फ्लाइट से निकल जाएगा, चल जा। डॉक्टर 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 राजू बीएमएस एफआरसीएस लंदन से। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मेरी आंखों में तूने पहले से डू 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 कर लिए लाए, समझा क्या? अरे डॉक्टर, अपुन तो पेट दर्द के लिए एडमिट हुआ था, तूने तो मेरी आंखों का ही ऑपरेशन कर दिया बे। क्या? सच में आपके प्लस टू का रिजल्ट आ गया, पेपर नंबर आया। एक बात बता डॉक्टर, क्या तुमने अब बीच प्लस टू पास किए लाए क्या? इस बात को बाहर मत बताना, मैंने एक झूठ बोलकर एडजस्ट किया है। आप एक आंख रख कर एडजस्ट कीजिए। मेरे को एक बता डॉक्टर, क्या तू एक पाव से एडजस्ट कर पाएगा क्या? ऐसा क्यों? बस ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कर ले अभी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक डॉक्टर को सलाह दे के आ रहा हूँ। दादी आदमी कौन है? डैडी दिख रहे लाए। मेरे बेटे, तुम्हारी एक आंख जाने से तुमने 100 आंखें खोल दी और मैं भी बदल गया। मैंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। हाँ बेटा, हाँ मेरी एक हसरत है, मैं तुम्हारे साथ एक कलर फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं, उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहेगा। चुप कर, मजाक मत कर, मैं तेरे साथ गांव गांव में घूम कर प्रचार करना चाहता हूँ। देख रहे, मेरा बेटा सुधर गया। आहा, सुपर सुपु, सुपर अप्पु, धूम मचा। ए तूफान जैसा, ए तूफान जैसा काल बन के फोता है ये आया। दुश्मन डरेंगे मौत का पैगाम है ये लाया। दुश्मन डरेंगे मौत का पैगाम है लाया। दुश्मन डरेंगे मौत। आज रात 1 बजे मुन्नी बाई की नौटंकी होने वाली है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर गांव से आ रहे हैं। मुन्नी बाई का फैंस के नाम का ऑर्डर लेने के लिए आप सब लोग आइए। तुझे कोई दूसरा ऑर्डर नहीं मिलने वाला है, समझा ना, चल कहीं और दूसरी जगह चलते हैं। ए, वो मुझे फुटी आंख नहीं भाएगा। तो चलो पत्ते खेलते हैं। वो बुद्धि खराब करती है,
ट्रिपल एक्स रम लेके आया हूँ, चलो पी लेते हैं। अरे वो शरीर का नशा तो है। फिर कोई दूसरा नशा बता। इस शिवपुरी में मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ ना, उसने एक बार देख लिया ना तो आँख को नशा, अगर सूंघ लिया तो नाक को नशा, अगर हंस दिया और छुए तो 1000 वोल्ट का करंट। ऐसा कौन है वो सेक्सी बम? अरे अपने मुन्नी भाई रे। जब लड़के वाले लड़की को पहली बार देखने के लिए आते हैं तो एक माँ को बहुत खुशी होती है, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही है। लाओ माँ फूल दो। हाँ बेटी, ऐसे अचानक किसी को भी लाकर हॉल में बिठा दिया, हम कर भी क्या सकते हैं। लो बेटी इसमें कॉफी डाल दो। छी, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। भैया अपनी जिद के आगे नहीं झुके। बेचारी कौशल्या न जी सकती है न मर सकती है, तड़प रही है। इसे देख के तो तरस आता है मुझे। ये लो बेटी पकड़ो। किसी को भी पसंद नहीं है, पर उन्हें कौन समझाएगा ये बात, कौन रोकेगा ये सब। तकदीर ही खराब है मेरी। इधर घूम, हम क्या कर सकते हैं। जा वहां जाकर खड़ी हो जा, जा। सब ठीक है, सब ठीक है। आओ बेटी रखो, आशीर्वाद लो इनसे। सदा खुश रहो। खुश सुखी रहो बेटी। माँ तुम जाकर बोलो अब क्या कर सकते हैं। लगता है आपकी एक ही बेटी है। एक ही बेटी है मेरी, बहुत प्यार से पाला है। घर छोड़िए, आप लोग लीजिए ना। लड़के को भी लाए होते तो बहुत अच्छा होता, सब कुछ आज ही तय हो जाता। देखिए कौशल्या अब हमारे घर की बहू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात हम घर पर जाकर बड़े लोगों के साथ बैठकर कर लेंगे। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर अगले शुक्रवार को आपके पास आते हैं। ठीक है, चलिए मैं भी चलता हूँ, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। ठीक है। अरे रे, कोनो खास बात है का? बहुत खुशी की बात है, आपकी पोती कौशल्या का रिश्ता अपने बेटे से करके आ रहा हूँ। आप सब खुश है ना? और ये श्रीमान कौन है? एका परमिला तिरुपति घुमाने के लिए। हमारी शादी भी तिरुपति की तरह जगमगाएगी, जरूर आइएगा। चलते हैं। ठीक है ठीक है, गाड़ी में लड़कियां हैं, गाड़ी को सही सलामत पहुंचा देना। हाँ जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ, बातें करते हुए जाओ। अरे जाओ जाओ। देखिए वो जी मैं बिल्कुल वहां नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा बिल्कुल, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मालिक वो सुरेश कौशल्या के ससुर के साथ गुफ्तगू कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है मालिक कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया। अगर लड़के के घर वाले अपनी बात से मुकर गए तब मैं उन्हें बताऊंगा, तब उन्हें पता चलेगा सीताराम क्या चीज है। बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। तारीख तय कर लिया आपने? नहीं, हम लोग कुछ और सोचना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। शायद भगवान की कुछ अलग ही मर्जी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई वजह? लगता है हमारी किस्मत में आपकी बेटी को। मुझे पता था यही बोलने वाले हैं। बुलाओ उस लड़के को। यही है ना? हाँ, इसी ने मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला होगा, यही ना? ऐसा नहीं है, हर बाप को प्यार के आगे झुकना पड़ता है। तो फिर मैंने तुम दोनों को आपस में बात करते देखा है। आप ये बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सच्चाई जाने बिना किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगा रहे हैं जो कि सरासर गलत है। हम लोग मिले, हमने बात भी की, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं, उसने आप लोगों के बारे में एक शब्द भी ऐसा गलत नहीं कहा। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उस रोज हम आपके यहाँ से लड़की देखकर गए, तब अचानक से मेरा बेटा मेरे पास आकर बोला कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पसंद से क्या होता है? शादी उसको करनी है, पसंद उसे आनी चाहिए। अब किसी को बुरा लगा, कोई कुछ और सोचे तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमने भी फैसला कर लिया, मुझे अपनी खुशी से ज्यादा अपने बच्चों की खुशी प्यारी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आप मुझे माफ कर दीजिए, चलता हूँ। सुन लिया ना, ये क्या बोलकर गया सुना आपने? एक बात भी गलत नहीं बोली उसने। मोहब्बत करने वाले इस जमाने में कुछ भी गलत शर्त गुफ्तगू करके किसी भी शादी को नहीं रुकवाते हैं। एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, कौशल्या की शादी तुम जहाँ करना चाहते हो वो वहाँ पर खुश नहीं रहेगी। भलाई इसी में है कि
जिससे वो मोहब्बत करती है उसके साथ ही उसकी शादी करवा दी जाए, यही वक्त की नजाकत है। इस युग में जहाँ लोग अपना गलती दूसरों पे थोपत है, वहीं पे तुम्हारी बेटी कौशल्या का बदनामी ना हो जाए, सोच के वो चुपचाप सब बर्दाश्त कर लिया। पूरे गांव वालों का तोहमत सुना पर अपना मुंह से उफ तक ना निकाला। तुमको उका ये बड़प्पन गलत लगा है? दामाद जी, तुम तो कह रहे थे कि तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, तो अब क्या हुआ? तुमने जो रिश्ता इसके लिए तय किया वो तो ठुकरा कर चले गए। इतनी जल्दी दूसरा लड़का कहाँ से ढूंढोगे तुम? आप गलत कर रहे हैं भैया, सुरेश से इंतकाम लेने की बजाय कौशल्या से इंतकाम ले रहे हैं। कुछ हो गया तो चली जाएगी बच्ची, माँ भी चली जाएगी, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये सब देखने के लिए कोई नहीं बचेगा भैया। तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अकेले में ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो क्या सही है क्या गलत, क्या खराब है क्या अच्छा, अपने दिल से पूछकर फिर फैसला करना बेटा। जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाओ बेटा। मेरे ससुराल में उस लड़के का क्या नाम है? सुरेश है। उससे कहो मुझसे मिले। ठीक है मालिक। आइए सुरेश भैया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मेरे दिल में जो आता कह देता हूं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिश्ता तुमने ही तोड़ा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लग रहा है मुझे, लग रहा है जो बात मेरे दिल पर लग जाती है वो कभी नहीं मिटती, वो आखिरी सांस तक नहीं मिटेगी, समझ गए ना? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम यहां पर सिर्फ तिरुपति घूमने आए हो और आकर के एक लड़की को अपनी बातों में फंसाया, और वो लड़की भी तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन उसके बाप को पसंद नहीं आया। उसे बुलाकर कहा कि ये लड़का गलत है, तो वो लड़की मान गई। मेरा मना करने के बाद उसने कभी तुमसे बात नहीं की। नहीं कि ना। तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? इज्जत से बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से चले जाना चाहिए था, अपने गाँव चले जाते, लेकिन तुमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तुमने वहीं पर रुक कर उसी घर में डेरा जमा लिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनो, उसकी शादी मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं करवाऊंगा, कम से कम इस जन्म में तो नहीं, अगले 100 जन्मों में भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते? मेरी गलती क्या है, क्या गुनाह किया है मैंने? सांप और नेवले की लड़ाई में किसका कसूर है? किसी का नहीं। तो फिर क्या वजह है दुश्मनी की? कुछ भी नहीं ना। फिर भी नेवला सांप को मार देता है और उसी को अपना भोजन बना लेता है। यहां पर मैं नेवला हूं और तू सांप है, तू सांप है और मैं नेवला हूं, दुश्मनी तो हमारी कायम रहेगी। तू अपने बिल में रह, मैं अपने बिल में। आप ऐसे पहले इंसान है जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद ना आने वाला तू पहला आदमी है। ठीक है, तू अच्छा है, यह बात मैंने मान ली। गांव में भी तू सबको पसंद है। मैं अपनी लड़की की खुशी के लिए तुझसे ये बात कर रहा हूं। मान ले कि अपनी बेटी की खुशी के लिए उससे तेरी शादी कर भी दूं। शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे से मिलना होगा, बात करनी होगी, तुम्हारे घर पर मैं आऊंगा, मेरे घर पर तुम आओगे, एक साथ बैठकर खाना खाना होगा, अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ निभाना होगा, सारे त्योहार मिलकर मनाने होंगे। मुझे कुछ हुआ तो तू भाग के आएगा, तुझे कुछ हुआ तो मैं भाग के आऊंगा, अगर तू मर गया तो मैं रोऊंगा, मैं मर गया तो तू रोएगा, लेकिन ये सब नहीं होने वाला।
रिश्ते क्या होते हैं, उनकी खुशबू क्या होती है, यहां आने से पहले मैं नहीं जानता था, पर अब जाकर मुझे उनका एहसास हो। ये सच्चे होंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं क्या करूं कि आपको पसंद आऊं? एक बार कहकर तो देखिए, यकीन मानिए मेरा, मैं वो जरूर करूंगा। आप जो कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगा। अपनी जान दे दे। जान दे दो ये कहा ना, ये बात कहने वाला वो कौन होता है? वो कहू को जान देने के लिए कैसे कह सकता है? कौन कब मरेगा ये काके पता है? जान दे दो कहे वाले के जान कब चल जाएगा किसको पता? ये क्या कह रहे हैं, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, वो हमारे दामाद जी हैं। दामाद जी? पहले वो इंसान बनना तो सीख ले, उसके बाद वो दामाद बनेगा। जिसे दूसरों का कोई एहसास नहीं वो इंसान नहीं है। आप लोग कभी दहेज में नहीं आते, लेकिन आज आप लोग अपने ही दामाद को कोस रहे हैं, और उसकी वजह भी मैं ही हूं। अगर अब भी मैं यहां पर रुक गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, गुजारिश है। सुनिए जी, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुरेश के ऊपर उसके बाप का जो गुस्सा है वो सही है, कौशल्या के दिल में उसके बाप के लिए जो प्यार है वो भी सही है। सुरेश के पास एक दिल, उसके अरमानों को रोकना ही समझ पाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी शादी करके बहुत ही खुशी के साथ पति पत्नी बनाकर तुम्हें और कौशल्या को भेजने के वास्ते सोचा था बेटा, अगर भगवान ने वो हक नहीं बख्शा बेटा, इस बुड्ढे को माफ कर देना बेटा। आप अपना दिल क्यों दुखा रहे हैं दादाजी? मेरा तो वैसे भी कोई नहीं था, लेकिन आप सब लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। दादाजी फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्दी लौट कर आऊंगा। जब भी तिरुपति आऊंगा मैं आप लोगों से जरूर मिलने आऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। सुरेश मैं टिकट लेकर आता हूँ, ट्रेन वहाँ पे आएगी, तुम मेरा इंतजार करना।
देखो कुछ भी मत कहो बेटा, कौशल्या के बारे में हम कुछ बोल नहीं पाए। तुम्हें अकेले भेजकर हम लोग यहाँ चैन से नहीं रह सकते बेटा। मेहरबानी करके जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, तुम अपने साथ कौशल्या को भी ले जाओ बेटा। उसके बाप को हम संभाल लेंगे, तुम इसे लेकर भाग जाओ बेटा, भाग जाओ, जाओ जल्दी करो। ये गलत है, गलत है दादाजी, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगा, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। इतने दिनों बाद मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, प्यार मिला, इसलिए अब तक मैं यहां रुका था दादाजी। लेकिन कौशल्या के पिता के बिना मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है दादाजी, उनकी मंजूरी मेरे लिए जरूरी है। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया था, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। मैं अकेला था और आपके परिवार ने मुझे बांध रखा था, और कौशल्या आपकी खुशी है, मैं उसे कैसे छीन कर ले जाऊं? कौशल्या आपकी धड़कन है, मैं उसे कैसे ले जाऊं दादाजी? इस जैसी लड़की को मैंने आज तक नहीं देखा, अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी नहीं छीन सकता मैं। कौशल्या ने मुझे अपनापन दिया और कुछ ही दिनों में उसने मुझे अपना बना लिया। जरा सोचकर देखिए कि उसके पिता पर क्या बीतेगी। मैं उन्हें ये दुख हरगिज नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगा, और मेरे बिना उसकी जिंदगी उजड़ थी ना जाएगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। कौशल्या मुझे कुछ दिन में भूल जाएगी, लेकिन उसके पिता जितनी नफरत करते हैं मुझसे, उससे ज्यादा वो कौशल्या से प्यार करते हैं। दादाजी, मेरा जाना सबके लिए अच्छा होगा, अगर मैं यहां से जाऊंगा तो सब सुखी रह सकते हैं। मेरा क्या है, मैं तो एक यतीम हूं, यतीम था और यतीम रहूंगा, लेकिन आप लोग एक परिवार है। लाख कोशिशों के बावजूद मैं खुद को सही साबित नहीं कर पाया, अब आपके कहने पर मैं उसे लेकर भाग जाऊं, ये तो इतनी गलत बात होगी कि मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे अकेले जाने में ही भला ही है दादाजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका परिवार टूट जाए। वैसे भी दादाजी, कौशल्या के पिता को लगता है कि मैं उनका परिवार तोड़ने आया हूं, लेकिन यह बात सच नहीं है दादाजी। सच तो यह है कि मैं खुद को साबित नहीं कर पाया, और आप तो जानते हैं कि मैंने कितनी कोशिश की, लाखों कोशिश की, लेकिन मैं उसके पिता को नहीं मना पाया। अब मैं क्या करूं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूं, हां अब यह तो मुमकिन नहीं है ना, इसलिए मैं जा रहा हूं। वो मेरे बारे में चाहे कितना भी बुरा सोचे, लेकिन मैं उनका भला चाहता हूँ। अपनी जान तो नहीं दे पाया, लेकिन कम से कम उनकी और कौशल्या की जिंदगी से दूर तो जा सकता हूँ ना। लेकिन एक बात तय है दादाजी, अगर मेरी शादी हुई तो वो कौशल्या के साथ होगी, और इसमें उसके पिता की रजामंदी होगी, अगर नहीं हुई तो